वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्लैकहेड्स के ऊपर है और चेहरे पर रेडिश हो जाती है क्योंकि गर्मी का मौसम बिल्कुल शुरू हो चुका है, तो सन बर्निंग सन टैनिंग होना भी शुरू हो चुकी है। अगर आपकी स्किन पर एक्ने की वजह से रेडिश होना शुरू हो जाती है तो आप इस टिप को लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपने कहना यह है कि जो भी जिस कंपनी का भी आप फेस वाश वगैरह यूज़ करते हैं या साबुन वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने हस्बे ज़रूरत फेस वाश ले लेना है और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है कोलगेट पेस्ट, कोलगेट हर्बल लेना है यानी कि ग्रीन वाला, क्योंकि ये मिंट वाला होता है तो ये आपकी स्किन के लिए, एक्ने के लिए, रेडिश के लिए बहुत ठंडा होता है, अच्छा होता है। तो आपने इन दोनों अज्जा को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इसमें अर्के गुलाब हस्बे ज़रूरत ऐड करना है ताकि अच्छा सा एक मिक्सचर हमारे पास तैयार हो सके। लोशन टाइप आपने इसका मिक्सर टेक्सचर रखना है, फिर इस मिक्सचर को आपने फेस पर अप्लाई करना है। 5 से 6 मिनट तक के लिए आपने इसको स्किन पर लगा रहने देना है और उसके बाद आपने ताज़ा पानी के साथ हाथ को डिप करके गीले हाथों को आपने स्किन पर लगाना है और रबिंग करनी है। 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको आप लगा रहने देंगे, छोड़ देंगे और उसके बाद 5-6 मिनट के लिए आपने स्किन पर मसाज करना है और उसके बाद वॉश कर लेंगे। पहले ही इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी स्किन पर जो रेडिश होना होती है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और स्किन ठंडी रहेगी, स्किन पर एक्ने भी नहीं होगी क्योंकि ईद का मौसम आ गया है और गर्मी भी आ गई है। तो ईद पर बहुत सारी गर्ल्स के चेहरे पर एक्ने होती है, पिंपल्स होते हैं क्योंकि कोई इवेंट वगैरह हो तो फिर पिंपल आना भी शुरू हो जाता है, उनको पता चल जाता है कि गर्ल्स के मुंह पर हमने आना है निकलना है। तो आप अपने पिंपल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, स्किन को हाइड्रेट भी रख सकते हैं, स्किन को ब्राइट भी रख सकते हैं और इसके साथ साथ स्किन पर नेचुरल ग्लो भी ला सकते हैं। इंशाल्लाह इसके एक ही इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने रोज़ाना, आप चाहें तो रोज़ाना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो हफ्ते में 2 दिन लाजमी इसका इस्तेमाल करें। और जब भी आपकी स्किन पर जलन होना शुरू हो जाए, सन टैनिंग बर्निंग होना शुरू हो जाए, स्किन पर रेडिश आना शुरू हो जाए तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ब्लैकहेड्स साफ़ हो जाते हैं।